हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। इस समय की बड़ी खबर, मेरी पसंदीदा फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कर लिया है एक सक्सेसफुल ट्रेड कंप्लीट। जी हाँ, ऑफिशियल कंफर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। शाहबाज अहमद 2.4 करोड़ के, जिनको इस सीज़न हमने बताया भी कि रिलीज करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, लेकिन उन्होंने मयंक डागर, जी हाँ कौन है मयंक डागर, क्या करते हैं, पहले सनराइजर्स से खेलते थे, उससे पहले पंजाब के साथ भी थे, तो सभी जो है वो बातें करूँगा। आई एम सो एक्साइटेड। और बिल्कुल तुरंत मेरे को लगा कि जो है वो आज लाइव नहीं आ पाएंगे, तो तुरंत ये इन्फॉर्मेशन तो जो है अपने भाइयों तक मैं पहुँचाऊँ सीधी सीधी। तो मयंक डागर जो है वो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे। कब खेले थे? 2016 में खेले थे, ठीक है, 2016 में अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले थे। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और विराट कोहली जो है वो पिछले आईपीएल सीजन जो विराट की सेंचुरी आई थी वहाँ सनराइजर्स हैदराबाद के, तो तब उनसे कुछ टिप्स भी ले रहे थे। नो डाउट विराट कोहली इन्फ्लुएंस करते हैं चीज़ों को, लेकिन ये किसी की भी जो है वो समझ से परे, किसी की भी जो है र्यूमर्स से परे, नीचे मैं पर्स की भी बात करूँगा। 2.4 करोड़ के जो शाहबाज अहमद हैं उनको 1.8 करोड़ के मयंक डागर के साथ सक्सेसफुली ट्रेड कर लिया है। अब क्या है कि जो बचे, जो 60 लाख बचे, वो इन कैश सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को दे दिया है, ठीक है। ये थी इस समय की सबसे बड़ी खबर। अब अगर आप देखो तो शाहबाज अहमद जो हमारे साथ जो है वो 3 साल से लगातार बने हुए थे, और फिर उनको हमने नाम भी दिया था कि भाई ये देसी बेन स्टोक्स है, देसी बेन स्टोक्स उनका नाम निकाला गया था। जिस प्रकार की इनिंग्स उन्होंने जो सिर्फ मुंबई में मैचेज होते थे तब खेली, लेकिन पिछले आईपीएल में आप लोगों ने देखा कि उनको नंबर 3 पे भी भेजा तो कैसे स्ट्रगल कर रहे थे वो। तो इससे साफ जाहिर होता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जरूर देख रही है, लेकिन वो उस बजट का भी नहीं देख रही जितने बजट का शाहबाज अहमद था, जो कि 2.4 CR का था। तो इससे और थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हुआ कि जो ट्रेड का मार्केट है वो अभी ठंडा नहीं पड़ा है। ये ट्रेड जो है वो कमेंस हो चुका था 20 तारीख को ही, अभी इसकी खबर बाहर निकली, और अभी देखो कल तक सभी वेट कर रहे हैं क्योंकि कल 4 बजे जो है वो डेडलाइन है। उसके बाद ये जो टीवी चैनल्स हैं या फिर आपके मोबाइल पे जियो सिनेमा ये टेलीकास्ट करेंगे, लेकिन हम आपके पास आ गए इस समय की सबसे बड़ी खबर लेके कि शाहबाज अहमद को जो है वो ट्रेड कर दिया गया है। शाहबाज अहमद अब सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रहेंगे। मयंक डागर जो 1.8 करोड़ के मयंक डागर 2.4 करोड़ के शाहबाज अहमद से ट्रेड हुए हैं, वो अब विराट कोहली यानी उनके पसंदीदा खिलाड़ी, एक इंटरव्यू भी मैं सुन रहा था तो उसमें भी उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है, तो उन्होंने बेझिझक कहा था कि आई लव विराट कोहली, आई एडमायर विराट कोहली। और 2016 में जब वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप, तब भी उनका इंटरव्यू हुआ था, तब उन्होंने ये कहा था कि जैसा 2008 में विराट भाई ने किया अंडर 19 वर्ल्ड कप में, मैं सेम उसी को रेप्लिकेट करना चाहता हूँ। तो ये तो यार मतलब कि हर एक का सपना होता है कि वो विराट के साथ कैसे खेले, कब खेले। अभी ऐसी कुछ और भी खबरें आ सकती है, ना सिर्फ जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से बल्कि मुंबई इंडियंस से भी खबरें आ सकती है। वो हार्दिक पांड्या का ट्रेड भी कंफर्म हो सकता है किसी भी टाइम जो है। अब वो अगले जो 24 घंटे, 24 भी नहीं कहूँगा अभी तो कितने हैं, अगले जो है वो 15-16 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। और कल शाम को 4 बजे जैसे ही रिलीज लिस्ट आएगी हम लोग लाइव मिलेंगे, ठीक है। तो सभी भाई कल जुड़िएगा, आज जो है वो रात को लाइव नहीं हो पाएगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन प्यार जो है वो आप बनाए रखें। कल जैसे ही रिलीज लिस्ट आएगी 4 बजे के आसपास, तो तब से लेके और 6 बजे तक जो है वो कन्फर्म एक लाइव शेड्यूल कर दिया हमने। और भी कोई अपडेट आ जाती है, रात को अपडेट आ जाती है, कल सुबह अपडेट आ जाती है, तो उसके लिए आपको शॉर्ट वीडियो मिली जाएगी। तो इस समय की बड़ी खबर, तीसरा ट्रेड जो है वो कंफर्म हुआ है। पहला ट्रेड था रोमारियो शेफर्ड का जब लखनऊ से और वो चले गए थे मुंबई इंडियंस, मैच 50 लाख में। दूसरा ट्रेड था आवेश खान और देवदत्त पडिकल का 10 लाख और 7.75 का, उसमें भी लखनऊ सुपर जायंट्स इंक्लूड था और वो राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड किया। और तीसरा कन्फर्म ट्रेड, कन्फर्म इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चौथा ट्रेड भी आ रहा है, और आज मैंने दिन की वीडियो में भी कहा था कि भाई कभी कहीं आप लोग सोच रहे हो कि ये जो है वो ट्रेड्स खत्म हो चुके हैं, एक और धमाका होने वाला है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी विद स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। और उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरा कंटेंट है वो पसंद आ रहा है, तो प्यार जो है वो इस तरीके से ही बनाए रखें। जो नए यूजर हैं या सब्सक्राइब टॉक को सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन भी ना दबाओ, पुराने यूजर्स को भी कहता हूँ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।